यहाँ पर हुलागन से आए हैं, पहले यहीं पर निवास करते थे, यहीं हमारा जन्म हुआ है कमला टावर में ही। हाँ, गोवर्धन मेरी माता यहाँ पर पिछले विगत करीब 60 साल से आ रही है। बहुत मान्यता है यहाँ की, और द्वारकाधीश महाराज का मंदिर है। मेरी माता जी आज भी आई हुई है, 80 साल की हैं, चल नहीं पाती, इसलिए उनको लेकर के आया दर्शन कराने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने इनको उंगली पर उठाया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी इंद्र के प्रकोप से। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाते हैं। Thank you.
हम लोगों ने जो आगे लक्ष्य तय किया है, आगर, साजापुर और नीमच तीनों जगह सोलर पावर प्लांट लगा के 5,250 करोड़ रुपए का निवेश करके हम ऊर्जा के पावर प्लांट लगा रहे हैं। आज हम जानते हैं कि इस संवत वर्ष 2078 का प्रथम दिन है, अन्नकूट महोत्सव के रूप में ये मनाया जाता है, जो मुख्य दिवाली का त्यौहार है और ये त्यौहार पंच दिन का है। उसमें ये अन्नकूट उत्सव की बहुत गरिमा है, महिमा है। इतिहास ये है कि जो हमारी नई फसल आई है वो फसल को हम प्रथम भगवान को महाभोग में अर्पण करते हैं। ये महाभोग आपको दिख रहा है। आज यहाँ BAPS स्वामीनारायण मंदिर में 250 से भी ज़्यादा शाकाहारी महाभोग भगवान को यहाँ धराया गया है और यही प्रसाद सब भक्तों को पूरे दिन तक यहाँ मिलेगा। सभी के लिए गवर्नमेंट की जो SOP है उस मुताबिक फेस मास्क जरूरी है, साथ साथ ये सोशल डिस्टेंसिंग भी हमारे स्वयंसेवक करा रहे हैं।
great privilege and honor I got the opportunity to sculpt Adi Shankaracharya stone sculpture at Kedarnath. The process started in the year 2020, September. I was selected to make a model of Shankaracharya. I sculpted 2 feet Shankaracharya stone sculpture and it was presented to the Prime Minister. I received a call that my model was approved to make a big statue at Kedarnath. It was one of the happiest moments of our whole career that one of our artwork was inaugurated by Honorable Prime Minister of India. He dedicated this to the citizens of India. Such an honor. I'm so humbled and thankful to the Prime Minister. The process started in the year 2020, September. We continuously worked around 9 months. We purchased around 80 tons of raw material and we started sculpting Adi Shankaracharya statue. Finally, it was around 28 tons.